यदि आपके केस में पैनक्रियाज में किसी भी तरह का ट्यूमर बता रहा है, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर हो, कैंसरस ट्यूमर हो, सॉलिड स्यूडोपैपिलरी ट्यूमर हो, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो या अन्य किसी भी प्रकार का गांठ हो, और आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा और इसका फ्यूचर बहुत ही ख़राब है, आगे चल के कैंसर जैसी कंडीशन या आने वाले समय में आपकी पैनक्रियास की और शारीरिक कंडीशन बहुत ही ख़राब होने वाली है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में इसका सलूशन है। आइए इस रिपोर्ट के ज़रिए हम इस बात को समझते हैं। ये एक रिपोर्ट है साक्षी का, 27/9/2021 को इन्होंने जब इनका रिपोर्ट देखा कि इनके रिपोर्ट में 29.9 by 16.8 by 20.2 mm साइज़ वेल डिफाइंड राउंड हेटरोजीनस प्रीडोमिनेंटली हाइपोइकोइक लीजन विद वास्कुलैरिटी विद इन द पैनक्रियाज इज सीन इन द रीजन ऑफ हेड। जब ये रिपोर्ट आया, इसे जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ओपिनियन जो साइज़ है, इट्स अ वेल डिफाइंड राउंड हेटरोजीनस प्रीडोमिनेंटली हाइपोइकोइक लीजन विथ वास्कुलरिटी विद इन द रीजन ऑफ हेड ऑफ द पैनक्रियाज। इट रिप्रेजेंट बिनाइन नियोप्लास्टिक इटियोलॉजी, सॉलिड स्यूडोपैपिलरी ट्यूमर, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। सो इस तरह का केस इनका सामने निकल के आया और ये महाराष्ट्र से हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए इन्होंने ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ली और ये वहाँ से ट्रैवल करके अहमदाबाद ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में ये इन पर्सन मुलाकात लिए और इन्हें इनके केस को अच्छे से समझाया गया। इनको सारे सिम्टम्स और सारे लक्षणों को समझने के बाद इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान किया गया और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के कुछ दिनों के बाद इनको इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया और जैसे जैसे इनकी मेडिसिन चलती रही, इनके केस में इम्प्रूवमेंट होता गया। इसके बाद ये रिपोर्ट जब आप देखेंगे, ये दोबारा से अहमदाबाद में लगभग एक साल के बाद आए, 4/8/2022 साक्षी, और जब इनका वापस से अल्ट्रासाउंड कराया गया, पैनक्रियाज अपीयर नॉर्मल इन साइज एंड इको पैटर्न, नो लीजन इज़ फाउंड, कम्प्लीटली नॉर्मल आपको पैनक्रियाज की कंडीशन दिखाई दी। सो इस तरह का किसी भी परिस्थिति जहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्यूमर है, चाहे वो कैंसरस है, बिनाइन है, न्यूरोएंडोक्राइन है या अन्य किसी भी तरह का है, इवन आपको स्यूडोसिस्ट भी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सही मेडिसिन से आपकी इस कंडीशन को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के माध्यम के ज़रिए हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन का ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में संपूर्ण सोल्यूशन है। आइए अब हम साक्षी का वीडियो देखते हैं, जहाँ पे ठीक होने के बाद इन्होंने अपना एक टेस्टिमोनियल वीडियो रिप्रेजेंट किया है। इस वीडियो के ज़रिए हम देखते हैं किस तरह से इनकी कंडीशन ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में क्योर हुई है। हेलो सर, मेरा नाम साक्षी है। लास्ट ईयर कुछ सितंबर में मुझे पेन शुरू हुआ था, तो स्टमक में तो 2-3 महीने से भूख नहीं लग रही थी और बहुत वीकनेस आ गई थी। वेट 5 to 6 kg लॉस हो गया था। फिर हम लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखाए, सीटी स्कैन हुआ, सोनोग्राफी हुआ, एंडोस्कोपी वगैरह हुआ, तो उसमें निकल के आया कि मुझे पैनक्रियाटिक पेन है। और सभी जो भी डॉक्टर्स को हमने सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे। बट फिर उसी में अक्टूबर एंडिंग में सर का ऑनलाइन रेफरेंस के थ्रू हमको पता चला ब्रह्म होम्योपैथी का। और फिर हम लोगों ने जब मेडिसिन लिया तो विद इन 15 या 13 days में ही मुझे बहुत रिलीफ आ गया था। मेरे को भूख लगने लगी थी और मुझे जो पेन वगैरह था वो बहुत कम हो गया था।
और अभी जब 9th मंथ के ड्यूरेशन के बाद हमने सोनोग्राफी किया तो उसमें भी जो पहले रिपोर्ट है वो पूरी नॉर्मल आई है, जो भी पेन था वो बहुत कम हो गया है और जो उसका साइज वगैरह था मेरे पेन का वो बहुत रिड्यूस हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। थैंक यू सर। तो पेन बहुत कम था स्टार्टिंग में, ज्यादा नहीं होता था, बट भूख नहीं लग रही थी 3-4 महीने से, तो भूख का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि 3-4 महीने से मतलब ऐसा नौशिया जैसा वोमिटिंग जैसा लगता था मेरे को 3-4 महीने से, और भूख ही नहीं लग रही थी, कुछ खाया तो फिर वोमिटिंग हो जाती थी। पेन बहुत कम था मेरा बट वोमिटिंग वगैरह होती है। अभी की कंडीशन बहुत अच्छी है, अभी भूख लग रही है बराबर, पेन बहुत कम है एकदम और सब प्रॉपर चल रहा है। तो ट्रीटमेंट तो सब कुछ बढ़िया ही है। जो सब में ज्यादा पैनिक सिचुएशन जो था कि हमको सर्जरी जो सजेस्ट की थी वो बहुत टफेस्ट सर्जरी थी पैनक्रिया के लिए, बट हमको सर्जरी नहीं करवानी थी तो हमने ऑनलाइन फाइंड आउट किया गूगल के थ्रू, तो सर का हमको रेफरेंस मिला और सर ने जितना ट्रीटमेंट दिया तो अभी ऑलमोस्ट 70-80% ऑलमोस्ट क्योर हो गया पूरा पैनक्रिया का जो पेन, और अभी सारा रिलीफ है। तो बहुत थैंक्स सर के लिए। होम्योपैथी पे पहले उसने ट्रस्ट नहीं था, लेकिन किसी एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि होम्योपैथी से जो भी डिसीज होता है पूरा वो रूट से क्योर होता है, अब बिलीव हो गया है कि हाँ डेफिनेटली वो हो सकता है, ट्रस्ट बढ़ गया। गुजरात में नंबर वन का क्लिनिक बनने जा रहा है, क्योंकि साहब का काम इतना बढ़िया है तो क्लिनिक तो बढ़िया होगा ही। ब्रह्म क्लिनिक के यहाँ के दवा से मुझे बहुत बहुत राहत मिलती है। होम्योपैथी में सबसे बेस्ट दवा खाना है, सबको ब्रह्म में आना चाहिए। व्हाट आई विश एंड व्हाट आई थिंक फॉर ब्रह्मा इज दैट इट इज वन ऑफ द पैराडाइज फॉर द सिक पीपल्स। बोलूंगा मैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ब्रह्मा में जाइए और दवाई लीजिए। ब्रह्मा क्लिनिक होम्योपैथिक से मुझे 100% रिजल्ट मिलता है।